जय माधवी कृष्णा, आज हम इस बात की सच्चाई का पता लगाएंगे कि क्या सच में देवी सत्यभामा गुणवती थी। भले ही ये कहानी स्कंद पुराण और पद्म पुराण में है, इस कहानी को बाद में जोड़ा हुआ साबित किया जा सकता है। यदि हम स्कंद पुराण में देखें तो गुणवती के पति चंद्र ने अक्रूर के रूप में पुनर्जन्म लिया। श्रीमद् भागवतम के स्कंद 10 चैप्टर 39 श्लोक 4 में श्री कृष्ण अक्रूर को अपने चाचा के रूप में संबोधित करते हैं। यदि हम सत्यभामा को गुणवती कहते हैं तो हम एक तरह से सत्यभामा को श्री कृष्ण की चाची बना दे रहे हैं। इतना ही नहीं, स्कंद पुराण और चैतन्य चरितामृत में ब्रज की गोपियाँ और द्वारका की रानियाँ राधा रानी का अंश है, जो स्वयं सीता का पुनर्जन्म है। यदि हम सत्यभामा को गुणवती बोलते हैं तो सत्यभामा के साथ साथ हम राधा रानी को भी श्री कृष्ण की चाची बना दे रहे हैं। पद्म पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण और गर्ग संहिता में सत्यभामा को भूदेवी बताया गया। भला लक्ष्मी उस व्यक्ति से क्यों विवाह करेंगी जो श्री कृष्ण यानी नारायण के चाचा है। गौर गन्नो देश दीपिका में विष्णु प्रिया के पिता सनातन मिश्रा सत्यभामा के पिता सत्राजीत का पुनर्जन्म है। कल्कि पुराण में सत्राजीत ने शशिध्वज के रूप में पुनर्जन्म लिया, जो देवी रमा के पिता है, और हम ये सिद्ध कर चुके हैं कि देवी रमा सत्यभामा है, वैष्णो देवी नहीं। ये बात सिद्ध करता है कि सत्राजीत अनंत जन्मों तक देवी सत्यभामा के पिता रह चुके हैं। कुछ लोग देवी सत्यभामा को एक नाग कन्या मानते हैं जो श्री राम से विवाह करना चाहती थी, पर आनंद रामायण में ये नाग कन्या कृष्ण की पत्नी कन्याकुमारी बनी, देवी सत्यभामा नहीं। ये कन्याकुमारी देवी पार्वती वाले स्वरूप से अलग है। गरुड़ पुराण में दोनों रुक्मिणी और सत्यभामा देवी सीता का पुनर्जन्म है। गौर गन्नो देश दीपिका में लक्ष्मी प्रिया रुक्मिणी और सीता है। नवद्वीप धाम महात्म्य में विष्णु प्रिया सीता है। ये हम भली भांति जानते हैं कि सत्यभामा ने कलयुग में विष्णु प्रिया के रूप में जन्म लिया था, तो राधा रुक्मिणी नापिनाई जाम्बती मित्रविंदा जैसी संगिनियों की तरह सत्यभामा भी देवी सीता है। हम गुणवती का पूर्ण रूप से सम्मान करते हैं, उनकी तपस्या का हम शत शत नमन करते हैं, पर हम उन्हें सत्यभामा नहीं मान सकते, क्योंकि ऐसा करने से हम सत्यभामा को श्री कृष्ण की चाची बना रहे हैं और सत्यभामा और कृष्ण के जन्मों के संबंध का अनादर कर रहे हैं। सत्यभामा और कृष्ण का रिश्ता अनंत है। जब कृष्ण राम है तो सत्यभामा सीता है। जब कृष्ण चैतन्य महाप्रभु है तो सत्यभामा विष्णु प्रिया है। जब कृष्ण कल्कि हैं तो सत्यभामा रमा है। जय माधवी कृष्णा।